और अब भाई सारा जीवन बाकी है, मैं सीखता रहूँ और सीखते क्रम में आज मैं एमराल्ड के इस मुकाम पे हूँ। बहुत अच्छा लगता है और आगे मैं बुलाना चाहता हूँ, बहुत शानदार स्टार पर्ल में है लुधियाना से, जो आज अपना सफलता का मैसेज शेयर करेंगे, जिससे हम सभी सीखेंगे जितने भी इस मंच में आमंत्रित हैं। मैं इनको बुलाना चाहूंगा, स्टार पर्ल लुधियाना से मनोज कुमार भगत सर। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, सुनाई पड़ रही है, तो सर वेलकम सर। आपके जोरदार डिजिटल क्लिपिंग के बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ मनोज कुमार भगत सर। अगर हमारे आवाज सुनाई पड़ रही है तो वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू ब्राजमिन सर, जय आरसीएम, हमारे गुड मॉर्निंग जय सभी साथियों आरसीएम। को, सभी गुरुदेव को चरण स्पर्श। नाम मेरा मनोज कुमार भगत है और इस बिजनेस में मैं 2014 में मैं ज्वाइन हुआ और 2014 में अप्रैल में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी बिजनेस में। उससे पहले मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो जन्म भूमि है वो बिहार है, छपरा से हूं मैं और छपरा बिहार मेरी जन्म भूमि है। पढ़ाई लिखाई मेरी झारखंड में हुई है धनबाद, और वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, और कर्म भूमि मेरी लुधियाना पंजाब पंजाब है। तो इस दरमियान काफी कुछ ऐसी चीजें हुई, पढ़ाई लिखाई वहां करने के बाद मैंने बिजनेस करी छपरा में, और बिजनेस जो है मेरा लगभग 3-4 साल रन करने के बाद बिजनेस मेरा फेल हुआ, और बिजनेस मेरा बड़े लेवल पे था, 3-4 कंपनियों की बड़ी बड़ी एजेंसियां थी, 3 जिला था हमारे पास, छपरा सिवान गोपालगंज, और 3 जिला का मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, और कई सारी उसको राजनीतिक कारण भी कह सकते हैं, बिजनेस का अनुभव ना होना भी कह सकते हैं, है ना। मेरा गद्दी का कारोबार भी था, आटा चावल का थोक विक्रेता था मैं, और बिजनेस को मैं संभाल नहीं पाया और बिजनेस फेल होने की वजह से मुझे उस समय 2006-07 में 30-35 लाख के नुकसान हुए, और नुकसान होने के बाद मैं काफी जीरो शून्य पे आ गया। फादर हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे धनबाद में, झारखंड में, और जीरो से होने के बाद कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसके वजह से मुझे वहां से आना पड़ा दिल्ली। 1-2 महीना समय बिताने के बाद दिल्ली आया। दिल्ली हमारे एक भाई हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, 1-2 महीना वहां रहने के बाद मैं लुधियाना आया। लुधियाना में काफी सारी स्ट्रगल हुई और स्ट्रगल करते करते मैंने LIC ज्वाइन किया। 2009 में जनवरी में मैंने LIC को ज्वाइन किया और LIC करना शुरू किया ना। यहाँ मैंने फैक्ट्री में जॉब करी है, हेल्परी करी है, गेट मैनी करी है, राजमिस्त्री का भी काम किया है। स्ट्रगल जो मेरा पीरियड जो था यहाँ पे लुधियाने में, और काम करते करते मुझे LIC मिला, और LIC में कर रहा था। LIC में मैं एक अच्छे मुकाम पे था, कलम मेंबरशिप थी हमारी, ZM कलम मेंबरशिप हूँ, और अच्छी खासी इनकम भी थी। करते करते जो हम आगे बढ़ते गए, 2014 में मुझे किसी शख्स से, हमारे पास एक शख्स हुआ करते थे, वो मेरा काम देखते थे, तो वो बार बार RCM का नाम लिया करते थे, RCM के प्रोडक्टों का नाम लिया करते थे कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये जो आज हेल्थ, उस समय क्या होता था, मेरे पेट में गैस वगैरह बनते थे, तो न्यूट्रीचार्ज मैन एक प्रोडक्ट आता था, अभी भी है न्यूट्रीचार्ज मैन, तो हेल्थ का उन्होंने कहा ये मेरे पास एक तेल आता है हेल्थ का तेल, वो खाया करो, हमने ले आके दे देना। एक्चुअली वो मेरे एम्प्लॉय थे तो मेरे से प्लान वगैरह के बात नहीं करते थे, तो इस तरह की बातें वो नहीं करते, तो मैंने कहा कि मैं कहता था कि आज आप काफी चार्ज दिख रहे हो, क्या बात है, क्या खा के आए हो, तो कहते थे न्यूट्री चार्ज खा के आया हूँ, हमने ये किस बला का नाम है, न्यूट्री चार्ज मुझे भी ला के दे दो, मैं भी खाया करूंगा। तो इस तरह प्रोडक्ट वो एक एक करके ला के देते जाते थे। मुझे नहीं पता था ये RCM का प्रोडक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं RCM से मेरी कोई एलर्जी थी उस समय, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही उमेश कुमार मंडल जी का घर है, और वो आते हैं, आते थे जाते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की चीजें जो है पसंद नहीं थी, क्योंकि RCM के लोग टाई पहन के घूमते थे और टाई वालों से एलर्जी थी। है तो
और मैं LIC में था, LIC में कोई टाई पहनना बाध्यता नहीं है, तो इस तरह मेरी चल रही थी जर्नी। करते करते जो है एक बार मेरी उस लड़के से मैंने पूछा कि तुम्हारा कौन है RCM में, वो कौन सा साथी है जो तुमको बार बार RCM बताता है, खाते तुम मेरा हो, पैसा मेरे चले जाते हो, गाते तुम RCM का हो, चक्कर क्या है, कौन शख्स है जो तुमको बार बार RCM में लेके आते हैं, मेरे को उनसे मिलवाओ। तो उन्होंने मिलवाया जयेश ब्रिक साहब से। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन शख्स को, जयेश ब्रिक साहब मिले। हालांकि मैं गया तो था कुछ और सोच के कि मैं RCM जो है ये करते हैं, तो आज मैं इनको RCM छुड़वा के ही आऊंगा, और आज मैं ऐसी मुख से निकालूंगा कि RCM ये खुद ही छुड़ जाएगा। तो इस तरह की भावनाएं थी मेरी, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं जो भी मेरे पास नेटवर्क कंपनी वाले आते थे, उनकी कंपनी का प्लान देख के उसमें इतना छेद निकालता था, खुद ही उस कंपनी को छोड़ देता था। तो मेरे को उन्होंने बताया, व्हाई के ऊपर बातचीत करी, 10 पॉइंट लिखा है। उन्होंने कहा कि RCM करें या ना करें, अगर ये 10 पॉइंट 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का आंसर अगर आपका हाँ में है तो फिर आपको RCM करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसमें से एक का भी आंसर अगर ना में है तो आपको RCM करने की जरूरत है। तो फिर वो एक्चुअली वो 10 क्वेश्चन जो लिखवाए थे, जबरदस्ती मैंने 3 4 क्वेश्चन का आंसर हाँ में लिखा था, हालांकि एक दो में ही हाँ था, बाकी सारे ना थे। तो मैंने कहा कि ये बंदा बहुत बढ़िया है, RCM चाहे जैसा भी हो, मैंने डिसीजन लिया कि इनके साथ मैं काम करूंगा, और क्योंकि ये बंदा चाहिए अपने को। मेरा डिसीजन ये था कि मुझे ये बंदा चाहिए, RCM तो बाद में आता है, RCM करे या ना करे। मैं उनके साथ लगा रहा, मैंने कहा कि सर मुझे मेरी ज्वाइनिंग कराओ, मैंने कहा कि ज्वाइनिंग करवाऊंगा, ज्वाइनिंग मेरा करवा देगा तो मैं इनसे और कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं करवाते थे मेरी, वो कहते थे अभी प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, पिकअप सेंटर पे जाओ प्रोडक्ट लेके आओ, पिकअप सेंटर पे जाओ प्रोडक्ट लेके आओ। तो पिकअप सेंटर में मैं जाता रहा 2 3 महीना लगातार, 2 से 3 महीना हम खरीदारी करते रहे, और लगभग 8 9 हजार रुपए के 2 से 2 महीने के अंदर में मेरी परचेजिंग हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरी आईडी लगाई, प्रोडक्ट से जब सेटिस्फाई हुए हम तो उन्होंने जाके मेरी आईडी लगाई, आईडी लगाई तो हमने काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। तो डेली का मुझे प्लान नहीं आता था, तो उनके घर में मैं जाता था, सुबह 9 बजे पहुंच जाता था और शाम तक 9 8 9 बजे तक उनके घर पे ही बैठा रहता था, लोगों को उनके घर में ही बुलाता था, वो प्लान दिखाते थे, मैं मोबाइल पे लगा रहता था, मैं मोबाइल पे गेम खेलता रहता था या इधर उधर बातें करता रहता था, ब्रिक्स आप प्लान बैठे दिखाते रहते थे और लोग ज्वाइन हो जाते थे। तो इस तरह हुआ, एक दिन क्या हुआ कि वो ब्रिक साहब मिले नहीं, घर पे नहीं थे, और मुझे प्लान दिखाने जाना था या लोगों को उनके घर पे बुलाना था, वो मिले नहीं तो हम बुलाएं किसको। फिर वहां से हम अकेले ही गए, मीनू जी थी जो उनकी मिसेज हैं, उन्होंने कहा कि आप आज 10 12 दिन हो गया अभी तक अपने प्लान देना नहीं सीखा। मैंने कहा सीख लिया है ना, बस ऐसे ही आया था। तो मैं गया फिर अकेले फील्ड में, मैं ये सोचते हुए जा रहा था कि आज मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा, किस तरह प्लान दिखाऊंगा, मुझे तो प्लान देना सीखा ही नहीं है। फिर ब्रिक साहब ने जो मेरे डायरी में वो गोले वगैरह बना के ऐसे ऐसे एक कस्टमर कंपनी करके बनाया था, उसी हिसाब से मैं गया और प्लान दिखाना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया। लेकिन मुझे कैलकुलेशन में मुझे उसे, क्योंकि वो बंदा मार्केटिंग का था, कैलकुलेशन में उसने मुझे फंसा दिया। फिर मैंने कहा कि 5 लगभग 1 1.5 घंटा मेरा वेट करो, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, कैलकुलेशन एक बार पूछ के आता हूँ। भागा भागा मैं ब्रिक साहब के घर पे आया, ब्रिक साहब नहीं थे, मीनू जी थी, मीनू जी से पूछा मैंने कि कैलकुलेशन मुझे बताइए पैसा कैसे आता है, फिर उन्होंने बैठा के कैलकुलेशन सिखाया, फिर मैं गया बंदा मिला ज्वाइन हुआ और इस तरह मेरा बिजनेस का स्टार्टअप हुआ। वहां से मैं दोबारा ब्रिक साहब के घर पे प्लान दिखाने के लिए नहीं गया, मैंने खुद ही प्लान बार 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 अपने घर में प्लान देखना, प्लान करके रिवाइज करना, होमवर्क करना प्लान के ऊपर मैंने शुरू किया, और डेली का 8 से 10 प्लान मैं डेली के करना मैंने उसके बाद मैंने शुरू किया। 8 से 10 प्लान करते थे, डेली का 3 4 5 ज्वाइनिंग आ जाते थे, महीना में 100 से 150 ज्वाइनिंग मैं उस समय करवाता था, और लगभग बात करें तो तीसरे महीना उस ज्वाइनिंग की, क्योंकि 1,000 रुपये से उस समय ज्वाइनिंग होती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था, तो तीसरे महीना में ईगल बना, चौथे महीना वो ज्वाइनिंग के बिहेव पे, चौथे महीना में भी काफी सारी ज्वाइनिंग हमने करवाई, जो बन गया रनर। फिर
पांचवें महीना में मैं बन गया विनर, क्योंकि तो काफी सारी ज्वाइनिंग लगातार 8 से 10 प्लान, 8 से 10 प्लान की रेशियो मेरी आ रही थी, और उस ज्वाइनिंग के माध्यम से लगातार जो है ज्वाइनिंग आ रही थी। तो सातवें महीने में मैं स्टार बना, छठे महीने मैंने बिजनेस को मेंटेन किया। सातवें महीना स्टार बनने के बाद मैंने मुझे लगा कि मैं स्टार बन गया, स्टार मैं तो स्टार हो गया। तो स्टार वाले लेवल पे जाने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि ये बिजनेस तो मैं कर रहा हूं और ऑफलाइन को फायदा जा रहा है। तो इस तरह मुझे काफी घमंड हुए, इस तरह की ईगो जिसको अहंकार बोलते हैं। हम बोले कि घर में बैठा रहता है, काम दिन भर मैं करता हूँ सुबह से शाम तक, और ये केवल फोन पे बैठ के डायलॉग मारता रहता है। मेरी अपलाइन के प्रति इस तरह की भावना थी। परिणाम हुआ कि वहां के बाद मेरे लेवल अचानक से रुक से गए 2014 के बाद, और लगभग 1 साल तक मेरी और मेरी इमीडिएट अपलाइन जो ब्रिक साहब थे उनके आपस में मेरी लड़ाई चलती रही। 2015, 2016, 2 साल लगभग मैंने इस बिजनेस को नहीं किया। 2017 से मैंने दोबारा से इस बिजनेस को शुरुआत करी, 2017 जनवरी, और 2017 जनवरी में मैंने शुरुआत किया। मार्च में मैं रॉयल्टी रिसीवर बना, फिर उसके ऊपर वाली रॉयल्टी, फिर उसके ऊपर वाली रॉयल्टी। उस समय मैंने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना बंद किया। मैंने जो कहा कि ये अपलाइन इज ऑलवेज राइट, हमारे जो गुरुदेव हैं मिस्टर फिलंदर ढिंगरा सर, वो हमेशा कहते हैं अपलाइन इज ऑलवेज राइट। तो उसके बाद मैंने 100% अपलाइन को फॉलो करना शुरू किया, और जैसे ही अपलाइन को फॉलो करना शुरू किया तो मेरी लगातार अचीवमेंट भी बढ़ती गई। गोल्ड बना, अगले महीना स्टार गोल्ड बना, फिर 6 महीने के बाद प्लेटिनम, फिर स्टार प्लेटिनम। स्टार प्लेटिनम बनने के बाद जो बिजनेस मेरा अचानक से नीचे आया, कुछ लीडर थे वो बिजनेस को छोड़ गए, तो बिजनेस आया नीचे, और लगभग बिजनेस दोनों लेगों में लगभग 3.5-4 लाख का बिजनेस मिला के रहते थे। रात को 25 तारीख को रात थी, मैं आज तक नहीं भूलता हूँ, 25 तारीख को रात सलेंदर ढिंगरा सर का फोन आया रात में 11:30-12 बजे करीब में, और उन्होंने कहा कि सर आप कैलकुलेशन करो, भगत जी टेक्निकल आपका हो सकता है। मैंने कहा कि टेक्निकल कैसे हो सकता है सर, उसके लिए 3 महीना 8% की रॉयल्टी मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी, तब टेक्निकल क्वालिफाई होगा। बिजनेस का दोनों लेगों में 1.5-1.5 लाख का है। तो उन्होंने कहा आप प्लानिंग करो, हो जाएगा मैं कहता हूँ। तो मैंने कहा कि सर ने कुछ सोचा होगा, तभी ये बता रहे हैं कि हो जाएगा। मैंने उसी से मैं डायरी पेन लेकर बैठा और एक एक बंदे की प्लानिंग करी, प्लानिंग करके अगले दिन से फील्ड में उतरा। फील्ड में उतरा उस समय मैंने 8% रॉयल्टी मेंटेन किया। अब ओवर रह गई अगले महीना, सर ने कहा था कि पहला महीना हो जाता है तो अगले महीना बड़ा डिफिकल्ट होते हैं, तो अगले महीना आपको खूब जोर लगाना पड़ेगा। दूसरा महीना हो गया तो तीसरा महीना इजी हो जाता है। फिर दूसरा महीना मैंने खूब सारा जोर लगा के अपने 8% की रॉयल्टी मैंने मेंटेन करी। फिर तीसरा महीना और जोर लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि बिजनेस उस समय तक छोटा था। लेकिन 3 महीने में पूरी टीम ने मेरी साथ दिया, पूरी अपलाइन ने मुझे साथ दिया, और मेरे 3 महीना में टेक्निकल क्वालिफाई हुआ। और टेक्निकल क्वालिफाई करने के बाद हम 2019 में पर्ल बने, और 2021 में स्टार पर्ल बने। उससे बाद जर्नी लगातार जारी है, और अभी मेरी एमराल्ड की तैयारी चल रही है। इसी साल 2024 सितंबर में मैं एमराल्ड करने जा रहा हूँ, आप सबके आशीर्वाद आशीर्वाद से मुझे। और इस सितंबर एमराल्ड और कई सारे मैं रॉयल्टी रिसीवर भी निकालने वाला हूँ, और बाकी तो स्टार वगैरह व्हाइट कैटेगरी की तो छड़ी लाइन लगाने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय आर सी जी, ओवर टू ब्राजमिन सर। बहुत शानदार मनोज कुमार भगत सर। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ एमराल्ड के लिए, एकदम शुभकामनाएं हैं सर। आपने जो अपना इस सक्सेस का इतना शानदार अनुभव शेयर किया, और इस मंच में जितने भी नए पुराने साथी बैठे हैं, मैं अवगत कराना चाहता हूँ, इस आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस आरसीएम में सभी बैकग्राउंड के लोग अलग अलग तरह से आते हैं, लेकिन जिस भी तरह से आते हैं उनको सीखना पड़ता है, और सीख करके ही सब कोई आगे बढ़ते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है। रीजन ए विजन
जिसके पास में है और ये दोनों अगर क्लियर हो गया और सीखने के लिए तैयार हैं तो उनको सफलता होने से आज आरसी में कोई रोक नहीं सकता, ये इतिहास गवाह है। तो जितने भी साथी हैं और सब तैयार रहें, डायरी पेन लेकर के नोट करें। गुरु जी प्रमोद गुलाटी कहते हैं, जो नोट करते हैं आरसी में वही नोट बनाते हैं। सर ये बहुत अच्छा लगता है ये मैसेज। तो अब मैं आगे न्यूट्रीचार्ज ब्रांड पार्टनर को बुलाना चाहता हूँ और स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दे देंगे आज, और हमारी इस मॉर्निंग मिरेकल मंच में उपस्थित है न्यूट्रीचार्ज ब्रांड ट्रेनर जो है संजय राय। हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है सर, तो वेलकम सर संजय राय। धन्यवाद सर। सभी के ओके सर, ओके वेलकम सर। सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज आप सभी साथियों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और काफी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जब से कोविड शुरू हुआ उसके बाद से हमारे यहाँ पर जैसे ये मेडिकल मॉर्निंग की शुरुआत हुई, वैसे ही शुरुआत आदरणीय डी सर ने की, यानी कि डी कुमार सर ने की। और हर मंगलवार को, जैसे यहाँ पर भी 1,000 लोग रहते हैं, वहां पर भी 6 बजे वो सेशन चलता है और 1,000 लोग रहते हैं, तो हर मंगलवार को उसमें मेरा सेशन रहता है। और काफी खुशी हुई कि यहाँ पर भी शुरुआत की, और निश्चित ही ये टीम भी काफी बेहतर कर